जी उधारो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब के? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और ये है जी लाहौर की एक धुंध वाली सुबह। जी बहुत ज़्यादा फॉग थी और आज का हमारा प्लान है एक छोटे से मज़ेदार से सफ़र का। वैसे छोटा सफ़र तो नहीं है, तकरीबन 6-6.5 घंटे का सफ़र है। और आज जो है वो हम उस सफ़र पे निकल रहे हैं। जो लोग बाहर से पाकिस्तान जाते हैं वो कागान, नारान, सवात, गिलगित ये सब जगह घूमने जाते हैं, पर हम इतनी ठंड और इतनी बर्फ़ देख चुके हैं कि हमने सोचा कि एक बिल्कुल ही नॉन ट्रेडिशनल किस्म का वे इस्तेमाल किया जाए और पाकिस्तान के कोई दूसरे शहर देखे जाएं जिनके बारे में सिर्फ हमने सुना है। तो जी हम जा रहे हैं मुल्तान, और मुल्तान जाने के लिए हमने ये हाइस्ट जो है वो हायर की है। और बहुत कन्वीनियंट 13 सीटर गाड़ी थी, बहुत कम्फर्टेबल थी, और सर्दी के मौसम में जो है वो अंदर ज़बरदस्त सा हीटर चल रहा था। तो जी हम मोटरवे बिल्कुल नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं इस सफ़र के लिए, हम इस्तेमाल करेंगे नेशनल हाईवे, क्योंकि हमने जो है वो हाईवे पे जाते हुए छोटे छोटे से जो साथ में शहर हैं उन सबको भी देखना है और इन्जॉय करना है। तो हमारा सफ़र लाहौर से मुल्तान का है, और सबसे पहले हम रुकेंगे साहिवाल में, और साहिवाल में हम रुकेंगे और देखेंगे हड़प्पा। हमारे बच्चे को बहुत शौक़ था मोहनजोदाड़ो देखने का, मगर जो इंटीरियर सिंध के हालात व वाक़ियात हैं उससे मुझे बहुत अच्छे से अंदाज़ा हो रहा था कि हम मोहनजोदाड़ो तो नहीं जा सकते। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं उसी ज़माने की जो एक दूसरी सिविलाइजेशन है हड़प्पा, हम उसको देखें। तो जी हमारा सफ़र स्टार्ट हो गया है और हम रवा दवा हैं साहिवाल की तरफ। और जी बीच में कहीं ना कहीं हम रुकते आए, क्योंकि हमारी कोई ख़ास मंजिल तो थी नहीं कि हमने किसी जगह पे टाइम पे पहुंचना है, किसी डिनर पे, किसी लंच पे। तो हमारे पास जो है वो पूरा टाइम था, वो क्या कहते हैं टाइम ऑफ द वर्ल्ड, तो बहरहाल टाइम ऑफ द वर्ल्ड तो नहीं था क्योंकि मगरिब जल्दी हो जाती है ठंड में। तो हम यहाँ पे उतरे क्योंकि यहाँ पे गुड़ बन रहा था, तो मुझे लग रहा था कि मैं इसको कैप्चर कर सकूँगी, लेकिन गुड़ बनने में अभी काफ़ी टाइम था। अभी सिर्फ यहाँ पे जो है वो सिर्फ उसका जो गन्ने का जूस है, जो गन्ने का रस है, उसको उबाला और पकाया जा रहा था, और गुड़ बनने के प्रोसेस में अभी थोड़ा टाइम था। तो हमने सोचा कि इंशाल्लाह ताला इस रास्ते पर कहीं ना कहीं कहीं और हमें ये पूरा प्रोसेस जो है वो देखने को ज़रूर मिल जाएगा। तो हम चल पड़े, और बच्चे जो हैं वो एक एक 1.5-1.5 घंटे की जो है वो नींद ले चुके थे, और उसके बाद डेफ़िनेटली आपको पता ही है नाश्ता तो चाहिए था। और आपको मैकडोनल्ड जो है वो हाईवे पे मिल जाता है, और बहुत बड़ा और ज़बरदस्त सा मैकडोनल्ड है। वहाँ से बच्चों के लिए हमने जो है वो नगेट्स, फ्राइज़, जो भी वो खाना चाहते थे वो हमने लिए, लेकिन हमारा कोई इरादा नहीं था ये खाने का, क्योंकि हम तो बिल्कुल किसी मज़ेदार से ढाबे की तलाश में थे, और जो अनफॉर्चुनेटली काफ़ी सारे मिस हो गए। किसी की हमें शक्ल अच्छी नहीं लगी, किसी के बैठने की जगह अच्छी नहीं लगी। फैमिली के साथ जब आप ट्रैवल करते हैं तो हर जगह बैठना बहुत आसान नहीं होता, तो इसीलिए जो है वो हम आगे से आगे चलते गए, और फाइनली हमें उस्मानिया रेस्टोरेंट मिला। और उस्मानिया रेस्टोरेंट जो है वो बहुत ही प्रेजेंटेबल और बड़ा ही साफ़ सुथरा सा था। हमने सोचा कि हम अपना नाश्ता जो है वो यहीं से करेंगे, और उस्मानिया का आपको पता ही है नाम भी जाना पहचाना है। तो बस यहाँ पर उतर गए हैं इस उम्मीद पे कि डेफ़िनेटली हमारा अंडा पराठा और कड़क चाय हमें यहाँ पे ज़रूर मिल जाएगी। और पूरा माहौल जो है वो अच्छा था, नीट एंड क्लीन,
रेस्टोरेंट था, बहुत सुबह सुबह हम पहुंच गए थे और हाईवे पे होने की वजह से यहाँ पे कोई भी नहीं था, तो सिर्फ हम ही थे। तो ओवरऑल इनके साथ नाश्ता करने का एक्सपीरियंस जो है वो काफ़ी अच्छा रहा। और बच्चों के साथ अब जब होंगे तो आपको डेफिनेटली कोई ऐसी जगह पे ज़रूर रुकना पड़ेगा जहाँ पे रेस्ट रूम्स हों, जहाँ पे आप बच्चों के साथ जो है वो थोड़ा सा फ्रेश हो सकें। तो इस होटल के साफ़ सुथरा होने से मुझे पूरी उम्मीद थी कि इसके वॉशरूम्स भी साफ़ होंगे, लेकिन मेरी हैरत के बिल्कुल क्या कहना चाहिए कि इतनी हैरत हुई मुझे और हैरत के पहाड़ टूट पड़े मुझ पे कि इनके बाथरूम बिल्कुल भी साफ़ नहीं थे। और आई डोंट नो क्यों साफ़ नहीं थे, हम तो सबसे पहले ही थे वहाँ पे जाने वाले, लेकिन खाने का एक्सपीरियंस अच्छा था इनका। और बहरहाल बाथरूम अगर मिल जाए सफ़र में तो बस दिल खुशी हो जाता है। तो बस वहाँ से नाश्ता किया और थोड़े से फ्रेश हुए और वहाँ से निकल पड़े। और जब आप फैमिली के साथ सफ़र करेंगे तो आप इन सब चीज़ों का ख्याल रखेंगे कि आपने कहाँ स्टे करना है और कहाँ पे खाना पीना है। और बच्चों के साथ जो है वो इस तरह के एडवेंचर जो हैं वो सोच समझ के करने होते हैं, हर चीज़ नहीं आप कर सकते। तो जी हम बिल्कुल हड़प्पा की जो गांव है वो उसके उसमें पहुंच चुके हैं। और ये जो हड़प्पा गांव तो नहीं है, एक तरह से टाउन है, शहर है छोटा सा। और इसकी जो साइट है वो इससे तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर के फासले पे है। तो जी बस हम बिल्कुल उसी एरिया में एंटर हो चुके हैं। म्यूज़ियम में एंट्री की बहुत नॉमिनल सी फ़ीस थी जो मुझे इस वक्त याद नहीं है, लेकिन मुझे बस ये याद है कि फॉरेनर्स के लिए यानी कि गोरों के लिए जो है वो फ़ीस 500 रुपये थी। तो हम चूँकि कहीं से गोरे नहीं लगते हैं तो हमें देसी लोगों के हिसाब से जो है वो टिकट मिल गए और हम अंदर दाखिल हो गए। अंदर जो है वो आपको एक म्यूज़ियम मिलेगा और म्यूज़ियम के साथ ही जो है वो हड़प्पा के खंडरात हैं। अगर आपको हड़प्पा की थोड़ी सी बैकग्राउंड की इन्फॉर्मेशन मैं दूँ तो शायद आपको ज़्यादा मज़ा आए। वो ये कि इंडस वैली सिविलाइजेशन दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन में से है और ये मेहरगढ़ की सिविलाइजेशन से जाके मिलती है। और सबसे मज़े की बात यह है कि ये सिविलाइजेशंस पाकिस्तान में ही हैं, मेहरगढ़ के आसार भी पाकिस्तान में ही मिले थे और हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो ये भी पाकिस्तान में ही हैं। वैसे तो हड़प्पा के जो हमें खंडरात मिले हैं वो तकरीबन तबाह शुदा हालत में हैं और बहुत नाजुक उनकी कंडीशन है। और यूनेस्को के जो हैं वो आर्कियोलॉजिकल साइट्स में से एक साइट है वो, और ये सब चीज़ें जो आपको नज़र आ रही हैं ये वहीं खंडरात से जो हैं वो बरामद हुई हैं। इसमें बच्चों के खिलौने हैं और आप देखिए कि इनके तदफीन का तरीका है कि ये अपने मुर्दों को जो है वो मटकों के अंदर डाल के जो है वो दफनाते थे। तो आप देख लीजिए कि ये मटके जो हैं वो हर मटका पानी पीने का नहीं है बल्कि उसके अंदर जो है वो एक मुर्दा भी है। तो बड़ी ही डिफरेंट ट्रेडिशन थी उनकी और ये सब चीज़ें जो हैं इतने हज़ारों सालों बाद निकल के बाहर आ गई हैं। यानी कि 3500 BC से 1500 BC के दरमियान का जो पूरा सिविलाइजेशन का पीरियड है वो हड़प्पा कवर करता है। और इसके बहुत सारे इसमें आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, इसमें ज्वेलरी है, इसमें गोल्ड की ज्वेलरी है। तो काफ़ी सिविलाइज थे और मोहनजोदाड़ो के साथ जो है जो कि सिंध का उस वक्त हब था एक, उसके साथ इनकी ट्रेड होती थी। तो ये चीज़ें देख के जो है वो बहुत ही अच्छा लगा। और इन सब चीज़ों को देख के नसीहत भी पकड़नी चाहिए कि हर चीज़ फ़ानी है। यहाँ पे फ़ोटोग्राफी बहुत ज़्यादा अलाउड नहीं थी मगर वो जो साहब मौजूद थे उन्होंने हमें स्पेशल परमिशन दे दी, उसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया। चलें जी कुछ आप भी इंजॉय कीजिए।
म्यूज़ियम से बाहर निकलें तो थोड़े से फासले पे तकरीबन 5 से 6 मिनट की वॉक करने के बाद आपको हड़प्पा के जो है वो खंडरात दिख जाते हैं। तो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स ऑफ हड़प्पा है ये। इसमें जो इनकी कंडीशन है वो बहुत ही डेलिकेट है, बहुत ही नाजुक है, तो इस वजह से जो है वो इनको एक बारीक सी मर्ट की कवरिंग के साथ कवर किया गया है, जो कि मुझे बताया गया वहाँ पे। आई डोंट नो कितनी सच्चाई है इसके अंदर। और ये पूरा एरिया जो है वो कोई बहुत बड़ा एरिया मुझे नहीं लगा, आई डोंट नो कितना उसमें से एक्सप्लोर किया गया है। और ये दरख्त जो है इसको देख के लगता है कि ये अल्लाह जाने कितने हज़ारों साल पुराना है। और इस दरख्त के बारे में वहाँ पे बताया हुआ था कि इसकी इसका साया बहुत घना है, इसका फल बहुत अच्छा है, इसकी वजह से जो है बहुत अरसे तक लोग जो हैं वो कहत से बचते रहे। तो जी इस दरख्त का नाम उन्होंने वन लिखा हुआ था, आई डोंट नो वन होता है या उनकी ज़बान में वन कहा जाता था। इन शॉर्ट जो मेरा ऑब्जर्वेशन है वो ये कि इस साइट को प्रिजर्व करने की कोशिश तो की गई है, लेकिन इससे ज़्यादा बेहतर तरीके से भी इसको रखा जा सकता था। और जी सर्दी के साथ जो है वो आइसक्रीम खाने का तो मज़ा ही और है। तो हमारे बेटे को खंडरात में क्या दिलचस्पी होती है, उन्हें आइसक्रीम में बहुत दिलचस्पी थी और बहुत मज़ा आया आइसक्रीम खा के। और यहाँ से हम फिर दोबारा चल निकले हैं मुल्तान की तरफ, और आप देखें कि रास्ते में हमने क्या कुछ नहीं देखा। हम यहाँ से निकले, हम चीचा वतनी कमालिया सारी जगहों से होते हुए जो है वो जाएंगे, और बस शायद हम बीच में कहीं और बहुत सी जगहों पे रुकते, लेकिन इसलिए नहीं रुके क्योंकि सर्दियों के दिन थे और बहुत जल्दी रात हो जाती है। तो हम चाहते थे कि हम मगरिब के टाइम के करीब करीब जो है वो मुल्तान पहुँच जाएँ, और मुल्तान पहुँच के जो है वो होटल में अपना सामान रख लें। तो बस जी उम्मीद है कि जो मैं ट्रेवलॉग्स बना रही हूँ वो आपको पसंद आ रहे होंगे। अपने मुल्क की खूबसूरती देखें, अपने मुल्क के लोग देखें। मुझे तो पता नहीं बर्फ़ और पहाड़ देखने में वो मज़ा ही नहीं आता, बेशक उनकी खूबसूरती अपनी जगह पे है, जो मुझे लोगों को देखने में आता है। ये शहर शायद हम कभी भी नहीं देखेंगे या हमने कभी भी नहीं देखे होंगे, शायद टीवी पे। खुद जाके इनको देखना, इनको महसूस करना बड़ा ही मज़ेदार एक्सपीरियंस है। और हम जब दूसरे शहरों में बैठे होते हैं तो हम सोचते हैं लाहौर में पता नहीं क्या होता है, मुल्तान में पता नहीं क्या होता है। यकीन करें कुछ नहीं होता, सब हमारे ही जैसे लोग होते हैं, हमारी ही जैसी बातें करते हैं, हमारी ही जैसी जगहों पे रहते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सा एक्सपीरियंस होता है। बस आपके पास जो है वो टाइम फ्रेम की जो है ना वो कैद नहीं होनी चाहिए कि बस कहीं आपने जल्दी से पहुंचना है। इस पूरे रास्ते को आप रुक रुक के एंजॉय करते हुए जाएं और कुदरत की सन्नाई के जो है वो लुत्फ़ लीजिए। और जी मुल्तान पहुँचते पहुँचते जो है वो रात हो गई थी। बीच में हम कहीं पे रुके भी, और रुक के हमने कहीं पे फ्यूल डलवाया, कहीं पे हमने चाय पी, तो बहरहाल तो रात तो हो ही जानी थी। और हमें पता ही था कि हम इतनी रात में मुल्तान पहुँचेंगे तो डेफ़िनेटली हम मुल्तान तो घूम तो नहीं सकते। तो बस हम सीधा जो है वो अपने होटल में पहुँचे हैं, और ताकि हम अपना सामान रख सकें, थोड़ा सा फ्रेश हो जाएं, अपने हुलिये थोड़े से ठीक करें, और फिर निकलें शहर में कुछ खाने पीने की तलाश में।
इस तरह का एडवेंचर जब भी आपने करना है तो आपने अपनी रिहाइश का इंतज़ाम पहले से करके रखना है, क्योंकि अकेला आदमी फिर रहा हो तो वो अलग बात है, लेकिन जब आप फैमिली के साथ फिरते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपने कहाँ पे जाके रुकना है, कहाँ पे सामान रखना है और कहाँ पे आपके बच्चे जो हैं वो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। आप सारा दिन फिरते रहें बहुत मज़ा आता है, लेकिन रात को आपको एक अच्छी साफ़ सुथरी जगह चाहिए होती है सोने के लिए। तो जी, ये होटल भी ओवरऑल अच्छा होटल था, एवरेज कहूँगी मैं इसको, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था और प्राइसेस भी इसकी काफ़ी रीज़नेबल थी। हमारा ये कमरा था, इन्होंने हमें रात को एक्स्ट्रा मैट्रेस दे दिए थे बच्चों के लिए, तो परफेक्ट हो गया था। बस यहाँ पे हम थोड़ा सा फ्रेश हुए और उसके बाद हमने बहुत तारीफ़ सुनी थी मुल्तान में शेंग्रीला होटल की, और ये होटल से जो है वो बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे था, तो हम वॉक करके वहाँ पे चले गए। हैरत अंगेज़ तौर पे लाहौर की नस्बत मुल्तान में बहुत कम सर्दी थी, लेकिन बहरहाल ठंड थी। तो हमने जाके जो है वो शेंग्रीला होटल का जायज़ा लिया और हमने कहा आज तो खाना यहाँ खाना ही है। हालांकि हम बहुत थके हुए थे और बहुत अच्छे से आइडिया था हमें कि हम ज़्यादा कुछ नहीं खा सकते, तो हमने ऑर्डर में सूप और चिकन कढ़ाई और उसके साथ मलाई बोटी, बस हमने बेसिक सा ऑर्डर किया था और ये भी बहुत खाना था। हम लोग बिल्कुल फुल हो गए थे और काफ़ी खाना बच भी गया था। इसके बाद जो है बस हमारा प्लान ये था कि हम होटल जाएंगे और जाके लेट जाएंगे, आराम करेंगे और अगले दिन करेंगे मुल्तान का ट्रिप। आप अगर मुझे फॉलो कर रहे हैं, मेरे प्रीवियस ट्रैवलॉग्स देख रहे हैं, तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, मेरे साथ बंधे रहें। फिर मिलेंगे एक नए मज़ेदार से व्लॉग में। अगर आप अपने लिए आसानियां चाहते हैं तो दूसरों को भी आसानियां दें। रमज़ान का महीना है, अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।